नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव से मिले। यहां दोनों से मुलाकात करने के बहाने तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन को धार देने की कोशिश की है। इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं का मिलना जुलना जारी है। महागठबंधन की एकता को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ दिनों में कई तरह के समीकरण सामने आए हैं। वहीं अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यूपी में सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल है। आज देश में नौजवान बेरोजगार है। ऐसे में अब यूपी की सियासत में नया मोड़ आने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में किसके सर सजेगा ताज? तेजस्वी मायावती की मुलाकात के बाद कयास तेज। सपा और बसपा के गठबंधन को समर्थन मिलने के कयास। तेजस्वी यादव ने दिया बयान। अब यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया तय। तेजस्वी यादव ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से की मुलाकात। आरजेडी मिलाएगी सपा और बसपा से हाथ। यूपी की सियासत में दिन प्रतिदिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब सपा और बसपा के मेल के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी गठबंधन में शामिल होने के लिए जहां रात में पूर्व सीएम मायावती से मुलाकात की, तो वहीं यूपी में दो सीट में आरजेडी चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव से मुलाकात की। अब देखना यह मजेदार होगा कि लोकसभा में कांग्रेस बीजेपी को कैसे यह गठबंधन मात देगा। इस समय अघोषित इमरजेंसी का माहौल है। किसान परेशान हैं, नौजवान बेकार घूम रहे हैं। इसके लिए सपा और बसपा ने एक साथ आकर बहुत बड़ा काम किया है। लालू जी ने इसको लेकर शुरुआत की थी। अब यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया होना तय है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इंस्टीट्यूशंस है, उनको लगातार जो है एक तानाशाह के तौर पे अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में जिस प्रकार से नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं, कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, किसान आत्मदाह करने पे मजबूर हैं, और ये जो गठबंधन जो लालू जी ने जो कल्पना करने का काम किया था आज जाकर के जो साकार हुआ है, हम इसके लिए सबसे पहले अखिलेश जी को हम धन्यवाद देने आए हैं और मायावती जी को भी हम कल मिलकर के आए, उनको भी हमने धन्यवाद दिया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश की जनता नाराज है, व्यापारी दुखी और किसान परेशान है। बीजेपी चाहती है कि हम भाषा बदले, पर ना बदलेंगे बीजेपी को जनता ने जवाब दिया है। लोकसभा के उपचुनाव में आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। तो यूपी में किसके सिर सजेगा ताज, ये अब एक बड़ा और अहम सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो समीकरण इस वक्त बन रहे हैं वो आने वाले लोकसभा चुनाव की तकदीर तय करेंगे। वो तय करेंगे कि लोकसभा चुनाव पर कितना असर यहां की राजनीति से पड़ने वाला है, क्योंकि बसपा और सपा के गठबंधन के बाद अब हर कोई कयास लगा रहा है कि इस गठबंधन का आखिर जो आने वाला
रिजल्ट है वो क्या होगा और क्या वाकई इस गठबंधन से बीजेपी की नींवें हिल जाएंगी, क्या वाकई इस गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ेगा, क्या जनता का मूड बदलेगा या जातिगत राजनीति एक बार फिर हावी होगी। और इस वक्त हमारे संवाददाता संजय सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, तेजस्वी यादव ने मायावती से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, उनको जन्मदिन पर बधाई दी, जिसके बाद अखिलेश यादव से भी मिले, आखिर इस मुलाकात के मायने क्या माने जाएं? मैं बता दूं भानु की, जिस तरीके से बिहार में सपा ने आरजेडी का समर्थन किया था, आरजेडी दो सीटों पर लोकसभा चुनाव में यहां लड़ना चाहती है, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक सिंह चौहान, वो फतेहपुर जनपद से चुनाव लड़ना चाहते हैं और एक सीट के लिए आरजेडी ने और पेशकश की है, जिसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से मुलाकात करके संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कल शाम को ही मायावती से मुलाकात की थी। तो ये माना जा रहा है कि इस गठबंधन में कांग्रेस की जगह आरएलडी की जगह आरजेडी और जो बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी से घटक दल हैं भाजपा या फिर लोक दल, उनको अपना दल उनको भी शामिल किया जाएगा। आने वाले दिनों में वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन आरजेडी शामिल होगी, इसकी ऑफिशियल घोषणा तो अभी नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि आरजेडी सपा और बसपा के गठबंधन के साथ दो सीटों में यूपी में चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव की रिश्तेदार भी है और अखिलेश के कजिन भाई तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव की बहन भी बड़ी है, तो ऐसे में ये रिश्तेदारी कहीं ना कहीं अब राजनीतिक साथ में समर्थन में खड़ी हो रही है। जी संजय, कहीं ना कहीं ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आरजेडी पूरी तरह से इस गठबंधन के साथ है और इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जितने भी इस वक्त दल हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, उन सबका एक ही मोटिव है, एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराना है। बिल्कुल भानु जी, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का जो चेहरा उड़ के सामने आया है, कहीं ना कहीं बीजेपी और जो नीतीश जी का गठबंधन है उसमें कहीं कमजोरी दिखी और तेजस्वी यादव तेजी से युवाओं के साथ साथ उनका जो लोगों के बीच में अपनी पहुंच है वो बढ़ी है और तेज हुई है। तो अब तेजस्वी का यूपी में उन्होंने साफ तौर पर कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जहां पर जरूरत पड़ेगी इस गठबंधन के प्रचार के लिए हम मंच भी साझा करेंगे और बीजेपी को रोकने के लिए जहां पे जो जरूरत पड़ेगी हम वो पूरा काम करेंगे, हम प्रचार भी करने यहां पर आएंगे। तो तेजस्वी का बिहार भी अपना अच्छा जनाधार है और जनाधार को लेकर के वाईएम यादव और मुस्लिम का जो गठबंधन है वो गठबंधन यहां पर भी अखिलेश के साथ में और अब तो मायावती जी के साथ कहीं ना कहीं दलित का जो गठबंधन है तो वो देखने को मिलेगा। तो ये जाति समीकरण जो है वो लोकसभा में काफी प्रभावी रहेगा और यही वजह है कि बीजेपी बैकफुट पर है और वो समझ नहीं पा रही है कि इस गठबंधन को तोड़ने के लिए किस तरीके से कयास लगाया जाए और यही वजह है कि पीएम ने अपने भाषण में कहा था कि इन लोगों की तो लंका लग गई, मतलब ये तो गए, लेकिन ये डर है वाकई, क्योंकि जाति गठबंधन का जिस तरीके से यूपी में की सियासत में अपना मामला चलता है उसको देखते हुए ये गठबंधन तो काफी हावी होने वाला है। मानो संजय, गठबंधन हावी होने वाला है। हमारे साथ अरसी रजा है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अरसी जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपका भी स्वागत है भानु जी। जी अरसी जी, गठबंधन तैयार हो रहा है, सपा और बसपा का हो चुका है, हालांकि कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं दूर रखा गया है। देखिए, हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और लोकतांत्रिक देश में हर राजनीतिक दल को अपना अधिकार है, वो जैसे चाहे जिससे गठबंधन करे। हम प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और देश में सरकार बनाने जा रहे हैं और चौंकाने वाले नतीजे आपके सामने, जैसा कि राहुल जी ने कहा है, देश की जनता सिर्फ कांग्रेस को देख रही है। जी पिछले विधानसभा चुनावों में एक वक्त था अरसी जी जब राहुल गांधी और अखिलेश साथ साथ थे, एक ही रथ पर निकलते थे, लेकिन हार हो गई और क्या इसी हार का यह नतीजा है कि कांग्रेस को इस गठबंधन से दूर रखा जा रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि हर पार्टी को अधिकार है गठबंधन बनाने का करने का। हम उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं
और देश की जनता हमसे कह रही है कि आप आइए और देश को संभालिए और देश की दिशा और दशा दोनों सही करने के लिए कांग्रेस को देश की जनता खुद आह्वान कर रही है और वो उसके उस आह्वान पर जा रहे हैं चुनाव लड़ने। जी हमारे साथ ठाकुर उमेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं जो बीएसपी नेता हैं। ठाकुर उमेश सिंह जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद आपका भी। उमेश सिंह जी, एक गठबंधन जिसने पूरे राजनीति में भूचाल ला दिया है, सपा और बसपा का गठबंधन, लेकिन ये गठबंधन पहले भी हुआ था और उस वक्त कारगर नहीं हुआ और अब एक बार फिर से खुद समाजवादी पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है कि ये गठबंधन ज्यादा नहीं चलेगा। क्या तब में और आज में बहुत सारा अंतर है, और अगर ये अंतर है तो वो अंतर क्या है? नहीं देखिए, उस टाइम पे जो था वो दो पार्टियों का गठबंधन था, केवल आपस में हुआ था, और आज पूरे प्रदेश की जनता की मांग है कि सपा बसपा को एक साथ आना चाहिए और पूरे देश में भाजपा को हटाने की मुहिम जनता ने छेड़ दिया है। ये उसको ध्यान में रख करके गठबंधन है। तो ये कभी, जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल देखे हैं पिछले तीन चुनाव के, तीनों कैराना और फूलपुर और गोरखपुर, तो जबकि सरकार बने जुमा जुमा 7-8 महीने हुआ था, लेकिन जनता ने किस तरह से नकार दिया है, कितनी आक्रोश है जनता के दिल में। 14 सीट पे चुनाव हुआ, 13 पे एक सीट पार कर छोड़ के भाजपा को दोबारा रिपीट नहीं हुआ। कितनी खुशी से जनता ने इनको सीट दिया था और कितनी नाराजगी से छीन लिया वापस। चलिए ठीक है, उमेश सिंह जी आप कह रहे हैं कि जनता की मांग है कि फिर से वापस आना चाहिए। रोकने जाऊंगा एक मिनट आपको। हमारे साथ केसी जैन जी भी जुड़ गए हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। केसी जैन जी स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। केसी जैन जी आवाज आ रही है आपका? जी हाँ जी। उमेश सिंह जी, मेरा सवाल यह था कि आप कहते हैं कि जनता की मांग है कि वापस आए आप और सत्ता संभालें, यानी कि बीजेपी को हटाएं। तीन राज्यों में बीजेपी की हार हुई, वहां तो कोई गठबंधन नहीं था, फिर भी वहां कांग्रेस जीत गई, और उसके बाद भी अगर जनता की मांग है तो गठबंधन ही क्यों? अगर जनता जिसको चाहेगी उसको सिरमौर बिठाएगी, निश्चित बिठाएगी। देखिए, जनता का आक्रोश है वो है भाजपा के प्रति, और भाजपा गलत कहती है, गलत गुमराह करती है आप लोगों के सामने, चैनलों के सामने, और जनता को गुमराह करती है भाषणों में बोल के कि ये गठबंधन महागठबंधन बना रहे हैं, ठगबंधन बना रहे, मतलब इन लोगों की भाषा ही बिल्कुल अजीब गरीब और बहुत गलत हो चुकी है। इनको घमंड आ चुका था एक ही बार सत्ता पाते ही, इसीलिए जनता भी इनकी घमंड को चूर करने पे उतारू हो गई, और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना विधानसभा भी नहीं बचा पाए, वहां से भी हार गए। एक छोटा सा नेता जो है जिग्नेश अवानी ने भी हरा दिया इनको। तो देखिए, ये जनता का वो है, वो नाराजगी है, तो इनको बिल्कुल नहीं पसंद किया है। झूठ फरेब हवा और जुमलेबाजी भारत देश में जो है ज्यादा दिन नहीं चलता है, ये थोड़े दिन का होता है और वही हुआ है, और इसमें कोई नहीं है। आपको, आप यहाँ का प्रदेश का देखे हैं कि किस तरह से हश्र हुआ है, जनता ने किस तरह से नकारा, पूरे देश की स्थिति ही हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग गलत बोलते हैं। हम लोगों का तो बिना गठबंधन के ये हर जगह हारे हैं, कहीं सी भी प्रदेश में गठबंधन नहीं था, लेकिन हारी ना भाजपा, तो भाजपा हारी है तो वो हारेगी, वो निश्चित है कि उनको हारना है, जनता उनको नकार चुकी है। तो अब ये स्थितियां है, बताएं। ठीक है ठाकुर उमेश सिंह जी। केसी जैन जी आवाज साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता है। केसी जैन जी, आपका गठबंधन हुआ है सपा बसपा के साथ, और इसी के साथ आज तेजस्वी यादव ने भी दोनों नेताओं से मुलाकात की है, अखिलेश यादव और मायावती से भी। मायावती जी को बधाई भी दी है जन्मदिन की, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या समझे जाएं? क्या इस गठबंधन को धार मिल रही है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है भारतीय समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाजवादी पार्टी का, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के गुरु चेला, जिनको संज्ञा सुश्री मायावती जी ने गुरु चेला की संज्ञा दी है, वो बिल्कुल घबराए हुए हैं। और आप देखिए, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन चर्चा अगर हो रही है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर और उत्तर प्रदेश के गठबंधन पर हो रही है। इसके पहले जहां जहां गठबंधन नहीं भी हुआ, फूलपुर, कैराना और गोरखपुर में जिस प्रकार से चुनाव के रिजल्ट मिले, वहां पे मायावती जी ने कोई घोषित रूप से वहां पे समर्थन नहीं दिया था, सिर्फ एक बाहर से एक समर्थन था, और उसके बाद में सब जगह पे समाजवादी पार्टी वहां पे जीतती है। तो ये जनता के अंदर जो आक्रोश है, जनता के अंदर जो विरोध है, वो उभर करके बाहर आ रहा है, और ये जनता की मांग पे गठबंधन किया है। ये सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये जनता चाहती थी
कि जो अलोकतांत्रिक सरकार है, आप देखिए आरबीआई के गवर्नर किस तरीके से इस्तीफा देते हैं, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर के कहते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर किस प्रकार से सरकार हावी हो रही है। जब कार्यपालिका, विधायिका और न्याय, ये सारी चीजें अलग अलग है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका पर विधायिका का हस्तक्षेप क्यों? तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके गठबंधन किया गया है और इस गठबंधन के परिणाम ठीक है। केसी जैन जी गठबंधन तो हो गया, लेकिन आप ही की पार्टी से विरोध के सुर भी फूट रहे हैं। फिरोजाबाद से हरिओम या सिरसागंज से हरिओम यादव ने बोला है कि यह गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि पहले भी हुआ था जब मुलायम सिंह के साथ गठबंधन नहीं चला, तो अब तो चलना बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई विरोध नहीं है, हो सकता है किसी को लग रहा हो कि हमें यहाँ पे टिकट नहीं मिलेगा, बीएससी के पास जा रही है, बीएससी का कोई कैंडिडेट ऐसा हो उसको लग रहा हो कि ये सीट सपा को मिल जाएगी, तो इसलिए चीजें हो सकती है। और किस पार्टी में कहाँ पे सीटों को लेकर के बातचीत नहीं होती है, और ये सारी चीजें लास्ट तक तय हो जाएंगी। और जो आज तेजस्वी यादव जी ने संपर्क किया है, ये भी कहीं ना कहीं गठबंधन को और ज्यादा धार देने वाला है, उनका भी जो सहयोग है वो भी पार्टी को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं बिहार में जो गठबंधन को लेकर के कवायद चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बातचीत कर करके कि बिहार में भी ऐसा गठबंधन दिखाई दे, इसलिए उन्होंने संपर्क किया है और उन्होंने मायावती जी को जनदेव की बधाई दी है। तो जो गठबंधन की ठाकुर उमेश सिंह जी, क्या कांग्रेस के आने की भी कोई उम्मीद है इस गठबंधन में? ठाकुर उमेश सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर संपर्क नहीं हो पा रहा है। केसी जैन जी, यही सवाल आपसे, क्या कांग्रेस आएगी इस गठबंधन में? नहीं, देखिए जब 38 सीटों का बंटवारा हो गया है, हाँ, और दो सीटें हमने कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस का इस गठबंधन में शामिल होना कहीं से दिखाई नहीं देता है। लेकिन दो सीटें हमने सम्मान बनाने के लिए, कि कांग्रेस का सम्मान बना रहे, हमने दो सीटें पहले से छोड़ रखी है, लेकिन कहीं पे हमारा जो टकराव है, हमारी जो लड़ाई है, वो भारतीय जनता पार्टी से ना कि कांग्रेस से है। जी चलिए, अर्शी राजा जी, कांग्रेस के लिए दो सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से छोड़ दी गई हैं। वो कह रहे हैं कि हमने सम्मान के लिए उनके लिए दो सीटें छोड़ दी, और आप कहते हैं कि हम 80 सीटों पर उतारेंगे, तो क्या सिर्फ बीजेपी को हराना इस बार मोटिव होगा आपका, या अन्य दल भी आपके निशाने पर रहेंगे? देखिए, हम चुनाव मैदान में जब उतरेंगे तो देश की जनता, प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि वोट किधर करना है और कौन भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यहाँ तक प्रधानमंत्री की इच्छा रखने वाले तो बहुत सारे नेता हैं, मगर कोई ये नहीं कह रहा है कि चौकीदार ने चोरी की है, ये कहने के लिए कोई नेता आगे नहीं आ रहा है। अगर कोई आ रहा है तो आपको खुद समझना चाहिए कि देश क्या चाह रहा है। देश चाह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार बने और लोकतंत्र जो खतरे में है उसे बचाया जाए, और जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमले हो रहे हैं उसको बचाया जाए। यही हमारा उद्देश्य है कि हम देश का चुनाव होने जा रहा है और देश की जनता तय करेगी, प्रदेश की जनता भी तय करेगी। जी केसी जैन जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। कह रहे हैं अर्शी राजा जी कि जनता चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन आपके गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि इनसे जरा प्रधानमंत्री के बारे में भी बात कर लीजिए, गठबंधन की हवा निकल जाएगी। नहीं नहीं बालू जी, देखिए एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए, इसके पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए और जो दिल्ली में चुनाव हुए, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जब वो नहीं स्पष्ट करते हैं तो चलिए वो मुख्यमंत्री की बात की, लेकिन ये तो देश से जुड़ी हुई बात है, वो एक राज्य की बात होती है, दो राज्य की बात होती है। आवश्यकता कहाँ से आ रही है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ये चीजें तो बाद में तय होंगी। जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी, जिसके हस्तक्षेप से सरकार बनेगी, वो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। जी, और अगर प्रधानमंत्री पद पर बात नहीं बनी फिर? नहीं देखिए, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी, और उत्तर प्रदेश से अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें लाता है, और ये बात स्पष्ट है बानू जी कि बिना हमारे गठबंधन के सहयोग से केंद्र में कोई भी सरकार बनने वाली नहीं है। जब हम जिसको समर्थन देंगे वही सरकार बनाएगी, तो उसमें फिर हमारी मर्जी ही पूछी जाएगी।
तो केसी जैन जी, ये मान लिया जाए कि इस बार का लोकसभा चुनाव जातिगत दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाएगा या जातिगत मोड़ पर आकर रुकेगा, क्योंकि एक तरफ दलित तो दूसरी तरफ यादव बाहुल्य और मुस्लिम समाज, इन तीनों को एक कर जो आपका गठबंधन हुआ है वही इस लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे? नहीं, देखिए ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। जातिगत जो आंकड़े हैं वो पूरे देश में टूट रहे हैं और हमारा गठबंधन जातिगत आधार पे गठबंधन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कहीं पे हमारा वोटों का बंटवारा ना हो। अगर हम मिल करके लड़ेंगे तभी हम इन लोकतांत्रिक शक्तियों को हटा सकते हैं। अकेले लड़ करके, अलग अलग लड़ करके कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक शक्तियों को हटाने में हम कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग साथ में आकर के लड़ रहे हैं और ना तो ये स्वार्थ का गठबंधन है ना तो ये जाति गठबंधन है। ये गठबंधन है लोकतंत्र को बचाने के लिए। हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर बाहर आके ये कहते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है तो सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था पे किस प्रकार से हमला किया जा रहा है, ये सारी चीजें स्पष्ट है। उसके बाद में भी अगर ये सवाल आता है जाति गठबंधन है तो हमें लगता है सवाल ही बेमानी है। जी जी संजय, संजय अगर पिछले लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो बसपा की कोई सीट नहीं आई थी और समाजवादी पार्टी महज 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, और पिछली बार जो लहर थी वो मोदी लहर थी और उसी का शायद ये साइड इफेक्ट है कि आज वे सभी दल जो एक दूसरे पर प्रहार करते थे एक मंच पर आने को मजबूर हैं। तो क्या लगता है कि जो पिछली बार मोदी लहर थी उसमें कुछ कमी इस बार दिखाई देगी, उसका इस गठबंधन का साइड इफेक्ट दिखाई देगा, या जो रणनीतियां रही हैं चाहे नोटबंदी हो जीएसटी हो उससे लोग अगर नाराज रहे हैं तो उसका भी असर इन लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल भानु, मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से समझा दूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो फैसले लिए चाहे नोटबंदी का हो जीएसटी का हो या फिर एससीएसटी एक्ट का मामला रहा हो, अब बैकफुट पे आने का समय उनका है और यही वजह है कि उन्होंने 10% आरक्षण समर्थ गरीबों को देने का जो जो वादा किया था उसे पूरा किया है। लेकिन ये आंखों के खेल है, इससे सवालों को फायदा नहीं नुकसान हो रहा है, जानने वाले सारी चीजें समझ रहे हैं। ये वजह है कि एससी एसटी को लेकर के जहां दलितों को अपने पास लाना चाह रहे थे तो वहीं एक लॉलीपॉप देकर के अब सवालों के साथ ये खिलवाड़ करने का जो प्रयास कर रहे हैं ये बैकफुट पे आ चुके हैं। इनके पास अब खोने को बचा नहीं है, वो जान रहे हैं कि भी, और यही वजह है कि 40 लोकसभा सांसदों की सीटें काटने जा रहे हैं, उनको नए लोगों को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और रही बात सपा और बसपा के गठबंधन की, तो सपा और बसपा का गठबंधन 50 से 60 सीटें जो आकलन है, मीडिया का आकलन है और सर्वे है वो बता रहा है कि 50 से 60 सीटें, जिस तरीके से ये दोनों लोग पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भले बसपा जीरो पर रही हो लेकिन 30 सीट से 32 सीटों पर वो दो नंबर पर रही थी, वही हाल सपा के भी थे। सपा की 5 सीटें भी जीती थी, सपा आगे चल रही थी, 5 सीटें जीती हुए बसपा से आगे थी। तो ये नुकसान साफ तौर पे बीजेपी को दिख रहा है और चूंकि उनके अपने गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो भी उन पर आंखें तरस रहे हैं कि भगवान दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, बिल्कुल संजय, इस वक्त इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। फिलहाल हमारे इस पेशकश में इतना ही, आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो राजनीति का भूचाल आया है सपा और बसपा के गठबंधन के बाद, उस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई इस गठबंधन को धार देने के लिए आतुर है। लेकिन यह सपा और बसपा का गठबंधन लोकसभा चुनावों में क्या करामात दिखा पाएगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्राइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।